शनिवार 18 तारीख की वो रात चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस के लिए यकीनन दिल टूटने वाली रात थी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से मिली हार के बाद आईपीएल 2024 में चेन्नई सुपर किंग्स का सफर अब समाप्त हो चुका है। जीत के साथ आरसीबी ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। खैर, इस मैच के बाद धोनी का एक बयान काफी चर्चाओं में बना हुआ है, जिसमें वो कहते हुए दिख रहे हैं कि एक कप्तान के रूप में इज्जत मांगनी नहीं कमानी पड़ती है। अब धोनी ने ऐसा क्यों कहा है, किस लिए कहा है और किसके लिए कहा है, आइए आपको बताते हैं इस वीडियो में। तो स्वागत है आप सभी का न्यूज रूम पोस्ट में, मैं आपके साथ कुणाल। धोनी के नेतृत्व में चेन्नई सुपर किंग्स ने 5 बार आईपीएल के इतिहास की ट्रॉफी अपने नाम की, लेकिन आरसीबी से मिली हार के बाद 6ठी ट्रॉफी का सपना इस साल टूट गया। वैसे आपको बता दें, इस बीच धोनी का एक बयान काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वह कप्तानी को लेकर चर्चा कर रहे हैं। दरअसल दुबई I-103.8 से खास बातचीत के दौरान धोनी ने ऐसी बात कही जिसने सभी का दिल जीत लिया। उन्होंने कहा कि एक लीडर के तौर पर आपको इज्जत कमानी पड़ती है, आप लोगों को आदेश देकर या हुक्म देकर इज्जत हासिल नहीं कर सकते हैं, इज्जत आपको कमानी ही होगी, आपको उदाहरण देकर खुद को साबित करना होता है। कामयाबी के वक्त तो आप बता सकते हैं कि हमें ये क्या करना चाहिए, लेकिन जब मुश्किल समय आता है तो वो मौका होता है जब आपके व्यवहार में कोई फर्क नहीं आना चाहिए, वो समय होता है जब आप इज्जत हासिल करते हैं। धोनी के इस बयान को कोई समझ जाए तो यकीनन वो एक अच्छा कप्तान बन सकता है, क्योंकि हमने देखा है कई ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो एक जीत के बाद पूरा स्टेडियम सर पर उठा लेते हैं और वही जब हार जाते हैं तो टोपी मुंह पर रखकर खुद को ही संभाल नहीं पाते हैं। खैर, जाहिर सी बात है, इसलिए तो धोनी धोनी है, चाहे हार हो या जीत कैप्टन हमेशा कूल रहता है। खैर, आपको बता दें, आज केकेआर और हैदराबाद के बीच महामुकाबला है और दोनों में से जो जीतेगा उसको सीधा फाइनल का टिकट मिल जाएगा। तो आज का मैच कौन जीतने वाला है, अपनी पसंदीदा टीम हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज रूम पोस्ट।